शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं और आशारम आपको सुना रहे ये मैं आपको कथा सुना रहा हूं? पद्म पुराण श्रीमद भगवत गीता के महात्म विभाग के आधार पर गीता के पहले अध्याय के महात्मा के आधार पर ही सुना रहा हूं कथा शास्त्रीय कथा है भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु जो आदमी दिन को सोते हैं उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और उनका प्रारब्ध मंद हो जाता है और आप तो जब चाहे लेटे हो और मैं चरण चंपी कर रहे हूं आपकी सेवा से मैं लक्ष्मी माता होकर पूजी जा रहे हूं और दिवाली की रात को जो मेरे नाम का जप करता है उसको तो अखंड संपदा से बरकत से भरपूर करने की शक्ति भी आपकी कृपा से मेरे को मिल जाती तो आपके पास ऐसा क्या है तब तो भगवान नारायण कहते हैं कि मैं युग युग में अवतार लेकर जो गीता में ज्ञान का वर्णन करता हूं उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में उस आत्म साक्षात्कार में मैं मग्न रहता हूं प्रभु गीता में जो ज्ञान है उससे मनुष्यों को भी फायदा होता तो बोले मनुष्यों के फायदे के लिए तो मैं बोलता हूँ अपना अनुभव गीता के द्वारा कहीं को लाभ हुआ है हो रहा है होता रहेगा लक्ष्मी जी ध्यान से सुनो पंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था उसका नाम था उत्तम उस नगर का बनिया दो दुकान का मालिक लेकिन उस निगुरे अभागे को पता ही नहीं कि सत्संग क्या होता है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण ए भवन समाना जिन्होंने अपने कान के द्वारा भगवत कथा नहीं सुनी उनके कान है सांप के बिल जिन्होंने अपनी जीववा के द्वारा भगवान नाम नहीं लिया उनकी जीव है मेढक जैसी टे टे बकवास संसार करने करने वाली उस अभागे ने बस कमाऊं खाऊं खाऊं कमाऊं और बढ़ाऊं 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 उस मूर्ख को पता नहीं कि जो है वो छोड़ के मरना है वो इतना अभागा था कि उसको सत्संग का पता ही नहीं कि सत्संग क्या होता है इसलिए उसको ये भी पता नहीं था कि अमावस्या को संसार व्यवहार नहीं किया जाता है संतान विकलांग होती है पूनम को संसार व्यवहार नहीं किया जाता है संतान सन, विकलांग होती है चाहे शरीर से हो चाहे बुद्धि से हो चाहे मगज से हो अगर संतान गर्भाधान नहीं हुआ तो अपनी आयुष्य और आरोग्य का दिवाला निकलता है इतना भी उस मूर्ख को पता नहीं था चार महारात्रियों का जागरण करना चाहिए यह भी उसको पता नहीं था और ग्रहण के समय ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को और मैथुन करने से बड़ा भारी पाप लगता और सुअर की योनि में जाता आदमी ये भी उस मूर्ख को पता नहीं था उसको इतनी भी अक्कल नहीं थी कि तुलसी के पान खाने से कैंसर का रोग कभी नहीं होता और पेट में जो कृमि है वो भी चट हो जाते उस मूर्ख को यह भी पता नहीं था कि साधु पुरुष के दर्शन से पापों का नाश होता है बुद्धि शुद्ध होती है बस कमाना कमाना खाना और बढ़ाना अंत में छोड़कर मर गया और दूसरा जन्म उस बुद्धू का बैल का हुआ बैल बना बैल किसी मंगे ने उस बैल को खरीदा ये मैं आपको कथा सुना रहा हूं पद्म पुराण श्रीमद भगवत गीता के महात्म विभाग के आधार पर गीता के पहले अध्याय के महात्म के आधार पर ही सुना रहा हूं कथा शास्त्रीय कथा है लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा यही बात उस कथा में आती है, कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भोले बाबा आपके पास ऐसी कोई दिव्य चीज दिखती तो नहीं है राख है जंग शमशान की मुंडों की माला है और गहने तो आपके कैसे हैं गो महाराज सांप फिर भी लोग ओम नम शिवाय नमः शिवाय करते और शिवरात्रि थोड़ा जागरण करते तो वीरिया भील में से वीरसेन राजा बनता और वीरभद्र भगवान के पूजा जा रहा है प्रभु हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच वीरभद्र इलाका है पूरा वो आपके वीरले भील के नाम से तो ऐसा आपके पास क्या है तब शिव जी ने कहा उमा भगवान नारायण युग युग में अवतार लेकर जो गीता का ज्ञान देते हैं बताए कि शिव जी ने कहा कि उमा युग युग में भगवान नारायण जो गीता का ज्ञान कहते हैं उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में मैं मग्न रहता हूं तो प्रभु उससे मनुष्यों को फायदा हो बोले उसी से मनुष्यों का मंगल होता है और यही बात लक्ष्मी ने नारायण से पूछी थी पार्वती तू मुझसे पूछती है तो नारायण ने जो उसका उत्तर दिया था वह कथा तू ध्यान से सुन शिवजी पार्वती को सुना रहे भगवान नारायण लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं और आशाम आपको सुना रहे वो बैल भिखमंग ने खरीदा और उस बैल पर सवार होकर किसानों के यहाँ भिख मांगने जाता कहीं से मटर कहीं से मूंग कहीं से चना कहीं से कुछ कहीं से आलू कहीं से प्याज ढोकर आता और फिर अपने बच्चों के साथ गुजारा करता बैल जब बूढ़ा हुआ भिखमंगा उसका पालन पोषण करने में समर्थ नहीं था दंडे मार के निकाल दिया भटकता भटकता कहीं से पत्ता गोभी मिल गया रास्ते में तो कहीं कुछ तो कहीं डंडा तो कहीं धक्का तो कहीं कुछ एक दिन बारिश के समय में किसी दलदल से पसार होते होते उसका पैर खिसका और दबाक से बैठ गया दोपहर हुई शाम हुई पेट में भूख और बगैया उसका खून पी रही कहा तो दो दुकानों का मालिक और कहा अब पेट में चपटी चारा भी नहीं गहनों कर्मणागति शिव जी कहते हैं पार्वती देख लो मनुष्य की दुर्गति मनुष्य जन्म पाकर अगर सत्संग करता साधन भजन करता तो देवों को दुर्लभ ऐसे परम पद को पाता लेकिन कमाऊं खाऊं खाऊं कमाऊं कमाऊं खाऊं सत्संग के बिना की कैसी दुर्गति हुई उसकी उमा भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि पार्वती लक्ष्मी जी सुनो शिवजी ने कहा पार्वती सुनो रात हुई और प्रभात हुई सूरज उदय हुआ तपा दोपहर हुई शाम हुई और ढल गया तीसरे दिन की सुबह हुई उमा नारायण कहते हैं लक्ष्मी ध्यान से सुनो ये जीव अपने कर्मों का करता और सुख दुख का भोगता है को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म इब्राता कैसी दुर्गति पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रियासुत जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है लेकिन यह बात उस मूर्ख बनिया ने सुनी ही नहीं थी बस कमाना खाना खाना कमाना और कट्ठा करना और अंत में छोड़कर मर गए जिसके लिए मनुष्य जन्म पाया था वो सत्संग नहीं किया साधन नहीं किया सत्पुरुषों की सेवा नहीं की ईश्वर की साधना के द्वारा तार जोड़ी नहीं ऐसे बैल होकर तीसरे दिन की दोपहर गुजार रहा है कुछ लोगों ने प्रार्थना की पूछ पकड़ी सिंह पकड़े हिलाए डुलाए लेकिन निकल नहीं सका इतने में एक वैश्या जो पैसे लेकर अपने बिस्तर पर पर पुरुष के साथ काम व्यवहार करती उसको वैशा बोलते शरीर का धंधा उस वैशा ने सारी बात जानी और हाथ में जल लेकर कुछ उसने मन में बोला और उस बैल पे छाटा बैल की सदगति हुई कुछ समय के बाद चंद्रमा के किरणों के द्वारा उस बैल का जीवात्मा अन्न में स्थित हुआ वह अन्न देव शर्मा ने खाया देव शर्मा की पत्नी में गर्भ में स्थित हुआ और वो बालक होकर जन्मा उसका नाम पड़ा सुशर्मा लक्ष्मी सुशर्मा जब सोलह वर्ष का हुआ नगर में कोई संत आए थे बड़े भाग्य से उसे सत्संग सुनने को मिला और फिर गुरु दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति ही संसार से तर सकता है ये सुनकर उसने गुरु से दीक्षा ली और गुरु को प्रार्थना कि अगले जन्म में कौन था वो देखने की मुझे विद्या बख्श गुरु ने उनको रिवर्स ध्यान सिखा दिया आज से दो साल पहले कैसा था पांच साल पहले कैसा था ये कल्पना करके थोड़े दिन अभ्यास कर जब पांच दस साल पहले का तेरा अपना चेहरा दिखे तो समझना ध्यान सही हो रहा है ऐसे करते करते माँ के गर्भ में कैसा पड़ा था और उसके पहले कैसा था ऐसा गुरु ने सिखाया उसने वो यात्रा की और वो दंग रह गया रे, मैं तो बैल और दलदल दल में यहां और उस भाई ने मेरी सदगति की उस भाई का द्वार खटखटाया भाई से पूछा कि भाई तुमने कौन सा पुण्य उस बैल को अर्पण किया था भाई बोलती और तो कुछ नहीं मैं तो ठहरी वैश्या मेरे यहां अमीर भी आते साहूकार भी आते चोर भी आते चोर कहीं से चोरी करने गए और तोते का पिंजरा उठा लाए मेरे को फीस में वही दे दिया तोता किसी ब्राह्मण के घर का था सुबह गीता के श्लोक बोलता था मैं तोते के मुंह से भगवान कृष्ण की वाणी सुनती थी बस वही पुण्य उस बैल की सदगति में अर्पण किया शिव जी कहते हैं पार्वती जब तोते के मुंह से सुने हुए टूटे फूटे श्लोक वैशास करने में लग, सफल हो सकती है जो संत के मुंह से गीता के श्लोक और उसका अर्थ सत्संग सुनेंगे और सत्संग और उसके अर्थ में अपना मन लगाएंगे तो पार्वती उनकी सदगति होने में संदेह क्या तो जो सत्संग के आयोजन में अथवा सत्संग की सेवा में सहभागी हुए उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को धन्यवाद लेकिन उनसे दुगना धन्यवाद तो उसको है जो सत्संग खुद तो सुनता है अपनी साथ पीड़ित है लेकिन दूसरों को भी सत्संग में ले आने का दैवी कार्य करने में भागीदार हो जाता है धन्या <Dhanyamata> माता पिता धन्यो धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी धन्या च वसुधादेवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता यत्र स्याद् गुरुभक्तता 啊。